हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा की क्लासरूम। मेरे साथ दक्षिणा की क्लासरूम में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ रेस्पिरेशन एंड ग्रंथ्स। फोकस के साथ आगे बढ़ना, इस चैप्टर को मेरे साथ तसल्ली से पढ़ना, और जो कंसेप्ट मुझे इस चैप्टर में आपके डेवलप करने हैं वो बेटा बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप समझ के रखिए कि इस चैप्टर के अंदर मेरी तरफ से आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा, आपकी तरफ से आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। अगर इस चैप्टर को मैं आपको क्लासरूम में पढ़ाता तो पढ़ाते वक्त मेजॉरिटी ऑफ द कैलकुलेशंस आप लोग करके बताते। कैलकुलेशंस बायो में, यस, इस चैप्टर में बेटा मल्टीपल कैलकुलेशंस आ रहे हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस उन्हीं कैलकुलेशंस के आसपास पहली चीज, और दूसरा रिएक्शंस के आसपास बनती है। तो देखिए बेटा, ये लाइव क्लास तो नहीं है, तो मैं आपको बुलवा बुलवा के याद तो नहीं कर सकता। तो इस चैप्टर का एक इशू, एक मेजर एक चीज़ रहेगी, एक मेजर थीम रहेगा कि आई विल बी टेलिंग हाउ टू रिमेंबर थिंग्स, आई विल बी टेलिंग हाउ टू कैलकुलेट एंड गिविंग यू द एग्जांपल बाय कैलकुलेटिंग। बट जितना भी चीज़ें मैं आपको कहूँगा, इसको याद करना और याद करने का तरीका बताऊँगा, और जितना कैलकुलेशन बेटा मैं बताऊँगा, वो सब आपको खुद अपने आप से करनी पड़ेंगी। और वो सब चीज़ें जब आप खुद अपने आप से करेंगे तो आपको ये चैप्टर अपने आप ही असिमुलेट होता हुआ, ये चैप्टर आपको अपने आप ही समझ आता हुआ महसूस होगा। चैप्टर बेहद सिंपल है, बेहद आसान है, समझ पा रहे हो? तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये चैप्टर ना एग्जैक्टली प्लांट्स नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी बिल्कुल कामयाब है, बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल लायक है। तो कैसे ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है, तो मेरे साथ आओ और देखो। इससे पहले वाला चैप्टर आपने फोटोसिंथेसिस निपटाया, और बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने CO2 लिया, उसके साथ साथ आपने यहाँ पे H2O लिया, और इसको लाइट और क्लोरोफिल की मदद से C6H12O6 में कन्वर्ट किया, प्लस इसके साथ आपने ऑक्सीजन बनाया, प्लस वाटर बनाया। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, सिंपल ऐसा लिखा हुआ। यहाँ पे रेस्पिरेशन का ना रिएक्शन एग्जैक्टली उल्टा है, यानी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। और रेस्पिरेशन का रिएक्शन हटाना है, लगाना है, तो इसको हटाओ, और यहाँ पे कहो कि आपके पास ये है ग्लूकोस, और ग्लूकोस को आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद आपको CO2 बनता है, आपकी बॉडी में H2O बनता है, प्लस इसके साथ निकलती है एनर्जी। क्या निकलती है? एनर्जी। मैं ये नीचे वाला रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ये वाला रिएक्शन जो है, ये जो नीचे वाला रिएक्शन लाइट ब्लू से मैंशन है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। समझ पा रहे बेटा? ये चैप्टर, ये जो लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी है, तो बड़े ध्यान से सीखिए, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं प्रीडोमिनेंटली आपको समझाने जाना चाह रहा हूँ, आपको समझाने वाला हूँ कि इस पूरे चैप्टर की मेन थीम। ध्यान से देखिए, हमारे पास वर्ड ना ये रेस्पिरेशन आ जाता है, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड रेस्पिरेशन क्या है। देखिए, ग्लूकोज यानी फूड मटीरियल हमें कहाँ से मिला? अगर आप ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो बेटा ये ग्लूकोज यानी जो फूड मटेरियल होता है, ये आपको ऑर्गेनिजम्स में कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खाना बनाते हैं, तो ग्लूकोज जो है हमें प्रोड्यूसर से मिल गया। बात रहती है इस ऑक्सीजन की, कैसे आया? ऑक्सीजन आता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो सीखो रेस्पिरेशन क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, टर्म देता हूँ रेस्पिरेशन, तो जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, ये रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, मैं कहूँगा ये रेस्पिरेशन आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के अंदर होता है, दोनों के अंदर होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। ओके, रेस्पिरेशन के स्टेप्स होते हैं, या मैं कहूँगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप्स पहला, जिसको वेंटिलेशन कहते हैं, वेंटिलेशन का मतलब क्या है, आप ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। पेड़ ऑक्सीजन निकालते हैं, पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, स्टेटमेंट सही, लेकिन ये ऑक्सीजन वापस कंज्यूम भी करते हैं बेटा। ये वाली बात जाननी समझनी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऑक्सीजन निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम भी करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कहानी। यहाँ पे पहला स्टेप है वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो।
exchange of gases. किसका? Exchange of gases. कैसे? Plants के केस के अंदर और animals के केस के अंदर कैसा होता है? Animals में humans का example लेके चलूँगा क्योंकि हर animal में अलग अलग तरीके से, तो यहाँ example human का लेके चलेंगे. Plants के केस में कैसे? Stomata के थ्रू. और स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकता है, अंदर से ऑक्सीजन बाहर जा सकता है, और बाहर से ऑक्सीजन अंदर भी आ सकता है. अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जा सकता है, ये दोनों प्रोसेस हो सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना, ऑक्सीजन का आना जाना स्टोमेटा के थ्रू. ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में इस वेंटिलेशन के प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ब्रीदिंग. क्या कह देते हैं? ब्रीदिंग. ह्यूमंस में इस वेंटिलेशन के प्रोसेस को नाम देते हैं ब्रीदिंग. समझ सकते हो? इस ब्रीदिंग के अब आगे प्रोसेस देखो. ब्रीदिंग के अंदर स्टेप वन है इंस्पिरेशन. बेटा नाम है इंस्पिरेशन. ये पहली बार आप प्लस वन में पढ़ रहे हैं. ये चीज इंस्पिरेशन जिसको हम इनहेलेशन कह सकते हैं. ये तो आपने पक्का पढ़ा होगा. इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, इनहेलेशन यानी ब्रीद इन. और दूसरा इसका स्टेप होता है एक्सपीरेशन, जिसको हम लोग टर्म कर सकते हैं एक्सहेलिंग. क्या टर्म कर सकते हैं? एक्सहेलिंग. तो आपको इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग अच्छे से, परफेक्टली अच्छे से क्लियर है. बोलो, बात क्लियर हुई यहाँ तक? डन. तो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं. ब्रीदिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन बेटा दोनों कर सकते हैं. इनहेल कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं. यहाँ कहानी अपनी फुल फ्लज्ड पक्का बढ़िया तरीके से डन डनाडन होती है. आपको मेरे साथ अब कंसेप्ट देखना है कि मैंने कहा था स्टेप वन में वेंटिलेशन है. वेंटिलेशन में अब आप जिस माध्यम पे, जिस चीज पे जरा फोकस कर रहे हो, ये वाला एरिया है. क्योंकि हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ना, रेस्पिरेशन के लिए बेटा ये वाला एरिया थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन का अंदर आना. कहाँ? ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना. तो ह्यूमन बॉडी में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन से एग्जैक्टली क्या होता है? इंस्पिरेशन से मदद से क्या होता है? ऑक्सीजन कम्स इन, एंड एक्सपिरेशन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट. इतना ऑक्सीजन अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला. अब गेम देखो. ऑक्सीजन जो था इधर लंग्स थे, लंग्स की मदद से जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन बेटा चला गया कहाँ पर? इनसाइड द ब्लड. कहाँ गया? ब्लड. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गया. यस, इतना क्लियर. आप थोड़ा सा अगर आप आपको याद करो तो हम ये कहानी पता किस तरीके से बनाते हैं? हम ये कहानी बनाते हैं इस तरीके से जो आप मेरे सामने यहाँ देखते रहोगे. मैं सारा वेंटिलेशन का प्रोसेस सिखा रहा हूँ आपको. इधर हम लोग सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बेटा हमने हार्ट तो पढ़ ही लिया. यस, जब हमने इस हार्ट को पढ़ा था तो इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स पढ़े थे. क्या? ये हार्ट यहाँ से ब्लड पंप करता है लंग्स के पास. कहाँ करता है? लंग्स के पास. लंग्स क्या करते हैं? लंग्स इस ब्लड में से, लंग्स के अंदर जाता है CO2, ठीक है, और लंग्स से बाहर निकलता है O2, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आता है. तो ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया, ब्लड से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चला गया, ये किस तरीके से हुआ? यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये ऑक्सीजन चला गया आपके कहाँ पर? ब्लड के अंदर जा रहा ना बेटा ऑक्सीजन, ठीक है. अब ये जब ब्लड वापस हार्ट में गया तो हार्ट क्या करता है? इस ब्लड को पंप करता है और यहाँ पे इधर भेजता है बॉडी ऑर्गन्स के पास. कहाँ भेजता है? बॉडी ऑर्गन्स के पास, और बॉडी ऑर्गन से ये ब्लड वापस इधर आता है, ठीक. तो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या हो रहा है? इस बॉडी ऑर्गन्स में यहाँ जाने पर ऑक्सीजन जो था वो इधर बॉडी ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है. जो ब्लड से ऑक्सीजन आता है ना, वो बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, और बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ब्लड में चला जाता है. आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं अलग अलग कलर शो किए, इधर रेड और इधर ब्लू, क्योंकि इस एरिया में ऑक्सीजन पड़ा है. जब बॉडी ऑर्गन्स के पास ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजन दे देता है, और जब वहाँ से निकलता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेता है.
कार्बन डाइऑक्साइड देखो वापस लंग्स में गया, और लंग्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो लंग्स अब क्या करती हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से लेके और यहाँ पे बाहर कर देती हैं थ्रू माउथ थ्रू नॉस्ट्रल्स। जब आप सांस लिया छोड़ा तो सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, समझ पाएंगे क्लियर। तो ये प्रोसेस क्या था बेटा, वेंटिलेशन का था। लेकिन अभी तक इस प्रोसेस में ना स्टेप सिर्फ वन हुआ है, स्टेप टू कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्टेप टू दोबारा सारा तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस स्टेप टू के अंदर अभी तक देखो ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचा, ठीक है। तो अब मैं ना जरा तुम्हें सिखाता हूँ स्टेप टू। जो स्टेप टू है वो क्या है देखो इधर, स्टेप टू इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। स्टेप टू क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, क्योंकि प्लांट तो आप एनाटॉमी पढ़ चुके हो, क्या प्लांट के पास हार्ट होता है? नहीं, प्लांट के पास हार्ट नहीं। तो अगर किसी प्लांट के पास हार्ट नहीं है तो प्लांट की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे फैलता है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो प्लांट की बॉडी में ऑक्सीजन कैसे फैलेगा बेटा, इसका अगर आंसर दोगे ना तो लीव्स के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, स्टोमेटा होगा, और स्टेम में अगर ब्राउन कलर की स्टेम है तो वहाँ से स्टोमेटा नहीं होता। तो वहाँ पर स्टेम के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, स्टेम के अंदर बेटा हमें मिलते हैं लेंटिसल्स। क्या मिलते हैं, लेंटिसल्स। और लेंटिसल्स की मदद से एक्सचेंज होता है ना, ये काम होता है प्लांट्स, समझ पाए। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की गेम हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ऐसा कहते हैं कि ये एक सेल है, एक आइडिया दे रहा हूँ, इसको प्लांट मान लो, एनिमल मान लो, चलेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एनिमल का सेल तो गोल गोल होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, चल कर। यहाँ से इस सेल के अंदर ऑक्सीजन गया, ठीक है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन गया। अब ब्लड पुत्र जब ऑक्सीजन लेके आता है तो ब्लड ऑक्सीजन अकेला तो नहीं लाता, ऑक्सीजन के अलावा बाकी चीज़ें भी तो लाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बाकी चीज़ों के अंदर आपके पास क्या आ गया, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स यानी जो हमने खाना खाया था, वो खाना जो पचाया था वो एब्जॉर्ब होकर सेल के पास पहुँच रहा है। न्यूट्रिएंट्स के नाम पे सबसे कॉमन सबसे सिंपल हम लेते हैं ग्लूकोज। क्या लेते हैं, ग्लूकोज, क्लियर। ये दोनों ऑक्सीजन और ग्लूकोज कहाँ पहुँचे, एट साइटोप्लाज्म। कहाँ पहुँचे, साइटोप्लाज्म, ठीक, पक्का क्लियर। तो अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा, अब तुम देखो साइटोप्लाज्म में C6H12O6 जो है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। इतना बात समझे, C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एक सेल के कहां पर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है बेटा। अब यहां पे ये कंबाइन करता है और फाइनल, ध्यान से मेरी बात देखना, मैं इंटरमीडिएट स्टेप नहीं बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट स्टेप नहीं बोल रहा हूं, फाइनली फाइनल जो प्रोडक्ट होता है जब ये रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद फाइनली खत्म होता है, तो इस फाइनल स्टेप के अंदर आपको यहां पे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बस यहां पे थोड़ा ध्यान देना, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ एंजाइम्स की मदद से रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकालता है। तो क्यों निकाला, क्यों इस ग्लूकोज को आपने तोड़ा, क्योंकि आपको चाहिए था एनर्जी। तो यहाँ पे हम कहते हैं ATP की फॉर्मेशन होती है, क्या होती है, ATP की फॉर्मेशन। क्लियर हुआ मेरी बात, पक्का डन। यहाँ पे अकेला साइटोप्लाज्म ही नहीं, साइटोप्लाज्म के साथ इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पता है ना पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मदद करता है एनर्जी यानी ATP की फॉर्मेशन में। बात बेटा आपको क्लियर हो रही है कि नहीं, एम आई मेकिंग सेंस टू यू, आपको अच्छे से बात क्लियर हो रही है। तो बेटा ये नेक्स्ट स्टेप था किसका, एक पूरे के पूरे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का। वेंटिलेशन की मदद से आपने ऑक्सीजन तो बॉडी के सेल्स तक पहुँचा दिया, लेकिन जब ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स तक जाएगा तो बॉडी के सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म में,
और दूसरा उसके साथ इन्वॉल्व माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, खूब सारे बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होके फाइनल प्रोडक्ट के नाम पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी बनेगा। तो सेल ने प्रोडक्ट में क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी तो सेल यूज कर लेगा। अब सेल के पास इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना कि नहीं बना, बना, तो देखो कंडीशन क्या होगी। ये बॉडी ऑर्गन्स ने जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया, एनर्जी बना ली, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकाला अब तो मुझे उसकी जरूरत नहीं, तो यहाँ से बॉडी ऑर्गन्स कार्बन डाइऑक्साइड उठा के वापस ब्लड में डालते हैं, ये ब्लड इधर हार्ट में लेके जाता है और हार्ट की मदद से वापस लंग्स में जाता है और लंग्स फिर वापस उसको बाहर निकाल लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन, जो आपके सामने यहाँ पर बढ़िया से लिखा हुआ है। बात क्लियर हुई, सिंपल थी ना बेटा? तो ये पूरी की पूरी कहानी एक जनरल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर को। यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि आपने पूरा काम किया क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। क्या चाहिए, एटीपी, यानी जो सबसे एसेंशियल चीज है, जो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज एनर्जी। ठीक बेटा, एनर्जी जो है वो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। एनर्जी किस फॉर्म में सेल के पास होती है, एटीपी के फॉर्म में, मेरी बात समझ सकते हो? तो सबसे एसेंशियल चीज जो एनर्जी है वो आपकी रिक्वायर्ड है, वो आपकी जरूरत है, ये कहानी है। तो अब आपको एटीपी बनाना है, तो एटीपी बनाने का यानी एसेंशियल एनर्जी यानी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट। यस, अब दिस फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैन बी डन। चलो मैं इस बात को पूरी सेंटेंस सुना, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैन बी डन बाय टू डिफरेंट वेज। मैं ये दो डिफरेंट वेज बताने से पहले इस सेंटेंस को दोबारा बताता हूं, सुनना। एसेंशियल रिक्वायरमेंट किसकी, बॉडी की। अब ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा कौन करता है, रेस्पिरेशन। तो यानी रेस्पिरेशन जो है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फुलफिल्स दी एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। यानी रेस्पिरेशन जो है वो एटीपी बनाने के लिए फाइनली रिस्पॉन्सिबल है। ये स्टेटमेंट कहना हमारे लिए बिल्कुल ठीक होगा कि रेस्पिरेशन से फाइनली एनर्जी बन जाती है। बात क्लियर हुई? अब रेस्पिरेशन से जब फाइनली एनर्जी बन गई, तो जरा ध्यान रखो, एनर्जी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। एनर्जी बनाने के लिए पहला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा प्रोसेस होता है बेटा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन दूसरा क्या हुआ, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो रेस्पिरेशन के अंदर आपके पास यूज होगा, इस्तेमाल होगा ऑक्सीजन का, उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसके दौरान, जिसके अंदर एटीपी बनेगा जरूर, एटीपी पक्का बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा। समझो मेरी बात क्लियर हुई? आपको एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हुआ बेटा, आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हुआ? तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जहां पे एटीपी चाहिए, सॉरी, जहां पे ऑक्सीजन चाहिए, और एनएरोबिक में ऑक्सीजन अपने को नहीं चाहिए। बात यहां पे फुल फ्लैश तरीके से डन 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 होती है। ठीक, अब देखो मैं यहां पे जानबूझ के एरोबिक का एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि हमने हमेशा एरोबिक के आसपास देखा, समझ सकते हो? तो मैं कहता हूं कि मेरी जो मेन जरूरत है वो एनर्जी है, और एनर्जी के लिए, एनर्जी बनाने के लिए यानी एटीपी बनाने के लिए, तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। तो एनर्जी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे मुझे चाहिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक, ये जो ग्लूकोज है ना बेटा, ये ग्लूकोज के अलावा बाकी और भी तो चीज़ें हो सकती हैं, समथिंग समथिंग और कुछ और या ग्लूकोज। तो बेटा ये कोई भी चीज़ जिसकी मदद से आप फाइनली एटीपी बना सकते हो, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट की मेटाबोलाइज होता है, क्या होता है, सबस्ट्रेट मेटाबोलाइज होता है, यानी सबस्ट्रेट मेटाबॉलिक रिएक्शन में जाता है और एक बाय प्रोडक्ट बनता है, और बाय प्रोडक्ट के साथ साथ आपके पास क्या बनती है यहाँ पे एनर्जी।
अगर यहाँ पे ग्लूकोज था तो ग्लूकोज के बाय प्रोडक्ट में आपके पास CO2 बन रहा था। इतना समझ सकते हो ना आप लोग, आपको बात क्लियर होती है, यहाँ तक अपने को समझना जरूरी था। तो ये बात करी हमने बेसिक। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, हमें इस पूरे सेगमेंट को एक्सप्लोर करना है। कैसे ये पूरी की पूरी गेम जो डब्बे के अंदर आपको दिख रही है, ये कैसे पूरी की पूरी गेम होती है, इस चैप्टर के अंदर बेटा पूरा इसको स्टडी करना है। इसको स्टडी करेंगे और ये चैप्टर चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर क्या पहला क्वेश्चन, डू प्लांट्स ब्रीद, तो स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हो, कहोगे यस प्लांट्स भी ब्रीद कर सकते। अब ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलिसिस को तोड़ो, ग्लाइकोलाइसिस मतलब टूटना ना, तो ग्लूकोज का टूटना, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये सब कुछ उसी रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट हैं। और चैप्टर बहुत ही बेहद सिंपल है, बहुत ही छोटा। तो इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं विद द रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन फिनिश ऑफ करेंगे और फिर धीरे धीरे हम ग्लाइकोलिसिस में आगे बढ़ेंगे। तो आओ करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एक एक करके लाइन पढ़ते हैं, फिनिश ऑफ करते हैं, अच्छे से समझते हैं, बहुत आसान। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल टू लाइफ। बेटा यहाँ पे पॉइंट पे ना फोकस करो, यहाँ पे वर्ड ब्रीदिंग दिया हो, और ब्रीदिंग को बेसिकली हम लोग मैकेनिकली वेंटिलेशन कह सकते हैं। अभी अभी आपको पढ़ा है, क्या कह सकते हैं, वेंटिलेशन, सांस का आना और सांस का जाना। व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ, ऑल्सो डू ऑल लिविंग और इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ, इफ सो हाउ। क्वेश्चन है कि क्या सब लोग वेंटिलेशन, सांस का आना जाना, ये सब काम करते हैं, क्या प्लांट्स करेंगे, क्या एनिमल्स करेंगे, क्या माइक्रोब्स करेंगे, सब लोग करेंगे, यस आंसर होगा यस। एनसीईआरटी कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, चाहे ब्रीदिंग ही क्यों ना हो, हमें इन सब प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए। तो कहाँ से आती है ये सब एनर्जी, हमें मालूम है कि हम एनर्जी के लिए खाना को खाते हैं, वी ईट फूड फॉर द एनर्जी, बट कैसे, खाने से एनर्जी कैसे ली जाती है, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनता है, खाने से एनर्जी ली कैसे जाएगी, क्या प्लांट खाना खाते हैं, वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, प्लांट खाना खाते हैं कि नहीं खाते, सबसे पहला ये क्वेश्चन आप मुझे अभी के अभी आंसर करो। बेटा प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं, और क्या खुद खाना खाते हैं, आंसर क्या होगा, यस प्लांट अपने लिए खाना बनाते भी हैं, बनाते किसी और के लिए थोड़ी है, कि वो थोड़ी सोचेंगे कि भाई आप आओगे, ये कंज्यूमर्स आएंगे और मेरा खाना खा जाएंगे, उनके लिए थोड़ी बनाते, वो प्लांट अपने लिए खाना बनाते, अपनी ग्रोथ के लिए बनाते, उल्टा हम उनको प्लांट्स को खा जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, प्रोड्यूसर्स हैं, सीधी सी बात समझ रहे हो। तो प्लांट अपने लिए खाना बनाते हैं, ये वाली बात आपको याद रखनी है। डू प्लांट्स ईट, आंसर होगा यस। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, एनर्जी का प्लांट का सोर्स क्या, कि जो प्लांट ने खाना बनाया या फिर बनाने के प्रोसेस के दौरान आपके पास ATP बनता है ना, वो एनर्जी कहाँ से लेके आता है, लाइट एनर्जी लेता है और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, सिंपल। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, डू दे ईट फूड, एग्जैक्टली खाना खाते नहीं है, जैसे हम जिसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं वो नहीं करते, बट उनके पास अलग अलग तरीके हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है खाने को कंज्यूम कर लेने के लिए। यू मे वंडर एट सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव, दे मे सीम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। ब्रीदिंग और फूड से एनर्जी निकालना आपस में बहुत ही क्लोज है। क्यों, खाना खाया और ब्रीदिंग ने किस तरीके से आपस में मैनेज किया, खुद सोचो। बेटा आप खाना खाओगे तो खाना खाने के बाद वो ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन आएगा वही तो एनर्जी निकलवाने में मैनेज करेगा। वो कहते हैं बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। समझ गए, जो मैंने बात आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी प्रॉपर नोट्स में लिख के, वही वाली बात एनसीईआरटी कर रहे हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। चलो, ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल एज फूड। फूड अपने आप में मैक्रोमोलिक्यूल्स का बना हुआ है, ये बात अपने को समझ आती है।
वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा। ये वाली बात आपको समझनी चाहिए कि अगर आपको एनर्जी लेनी है तो आप फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे ट्रैप लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। जब ये साइनोबैक्टीरिया प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज से हम सुक्रोज और फिर स्टार्च कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज को, तो ये फोटोसिंथेसिस से बनता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइज, ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन को देखो, आप ये कहते हैं कि प्लांट्स में भी हर एक सेल फोटोसिंथेसिस करे, ऐसा नहीं। रूट के सेल कहाँ फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टेम के सेंटर मोस्ट सेल्स कहाँ करते हैं, जाइलम के सेल्स फोटोसिंथेसिस कहाँ करते हैं बेटा। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में भी हर एक सेल नहीं करता, जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है वो करता है। हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स ऑल दी अदर ऑर्गन्स टिश्यूज एंड सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन, जो नॉन ग्रीन है उनको भी खाना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। हेंस फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट्स। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक, दैट मीन्स दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली लेंगे हर्बीवोर्स, देखो प्लांट है हर्बीवोर है कार्निवोर है, ये इसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट है और कार्निवोर हर्बीवोर पे। देखो क्योंकि प्लांट नहीं होगा तो हर्बीवोर नहीं होगा, सीधी सी बात। तो अगर कोई हर्बीवोर को खा रहा है तो टेक्निकली इनडायरेक्टली प्लांट को खा रहा है ना, बस। सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये आपको मालूम है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रिस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। जितना भी खाना है वो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस से ही आता है। दिस चैप्टर डील्स विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटीरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। ये लाइन कॉम्प्लेक्स लग रही है यहाँ पे देख, अगर बेटा ये लाइन आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है तो एग्जैक्टली ये चैप्टर करना क्या चाह रहा है अभी आपको देख। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस वाले डब्बे के, जो डब्बे में रिएक्शन लिखा हुआ है ना, इस वाले को एक्सप्लोर कर रहा है यहाँ पर, कि हम इसको किस तरीके से ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि हम फाइनली ATP बना सकें। समझ गए, ये वाला पूरा चैप्टर इस रिएक्शन के आसपास घूमता है। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में तो क्लोरोप्लास्ट होते नहीं, वहाँ पर आपके पास क्रोमैटोफोर्स होते हैं। क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जब हम बात करते हैं उनकी बैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गी की। वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल्सो इन यूकैरियोट्स। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। खुद देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला। मैं ग्लूकोज को क्या करूँगा, यहाँ से बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है। ये बॉन्ड्स ग्लूकोज के जिनको मैं ऐसे ग्रीन से बना रहा हूँ ना, इन बॉन्ड्स को तोड़ना है और बॉन्ड्स को तोड़ के फाइनली मुझे CO2 बना देना। इस पूरी के पूरे प्रोसेस से रिटर्न में अपने को क्या निकलता है, ATP। यानी ब्रेकिंग ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन दी सेल्स। इससे क्या होता है, अच्छी खासी अमाउंट ऑफ, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंपल। द
The compounds that are oxidized during this process are called as respiratory substrates. जिन चीज़ों को तोड़ के आप एनर्जी निकालते हो उन चीज़ों को हम रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स टर्म करते हैं. यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन्स, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशन. वेरी इंपॉर्टेंट है, खाने से एनर्जी निकालने के लिए सबसे प्रेफर्ड सोर्स आप किसको चूज करोगे, हमेशा किसको चूज करना चाहोगे, आंसर कार्बोहाइड्रेट्स होगा. लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन निकाल सकते हैं एनर्जी? यस. क्या फैट्स को एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज किया जा सकता है? यस. क्या ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज किया जा सकता है? यस. ऑर्गेनिक एसिड बेटा जिसमें सी डबल एच ग्रुप लगा होता है ना, कोई भी इसको, ये कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो, इसको क्या आप यूज कर सकते हो? इसको सोचो, इस ऑर्गेनिक एसिड को, एसिटिक एसिड को, इथेनोइक एसिड को, कि इस एसिड को आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी? तो मैं आंसर कहूँगा बिल्कुल पॉसिबल है. तो आपके पास अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, इनमें से कौन सा एक रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, तो आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये सारे के सारे क्या हैं? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स. समझ गए? इसको अंडरलाइन करके लिख लो. ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेंड इन द रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इन टू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप. It is released in a series of slow stepwise reactions controlled by enzymes and it is trapped as chemical energy in the form of ATP. देखो, मैंने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को फाइनली, ध्यान से मेरी बात सुनना, फाइनली कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने यहाँ ये नहीं कहा कि मैंने ग्लूकोज को डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड पर कन्वर्ट किया, नहीं बेटा, यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, खूब सारे इंडिविजुअल छोटे छोटे स्टेप्स हैं और फाइनली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करवा दी जाती है. तो समझ पा रहे हो आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली बनवा दिया जाता है, यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है. हम ग्लूकोज को ले रहे हैं और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड बनवा दे रहे हैं. बोलो, कोई डाउट? नहीं ना. मल्टी स्टेप रिएक्शन, और इस मल्टी स्टेप रिएक्शन का थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ग्लूकोज से शुरू करते हो और ग्लूकोज से शुरू करते करते अभी पाइरूविक एसिड पे आए हो, और यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखाई देगा. इस पाइरूविक एसिड को आगे जाओगे और पाइरूविक एसिड को आगे जाने के बाद आप देखो पाइरूविक एसिड को जाओ और यहाँ पे CO2 निकालो, बट अभी पाइरूविक एसिड का एक हिस्सा एसिटाइल कोएंजाइम में बचा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ CO2 निकल गया. इस एसिटाइल कोएंजाइम को लूंगा और फिर इस सिट्रिक एसिड साइकिल में देखो कितने मल्टीपल स्टेप डाल दिया और यहाँ से आपको निकलता हुआ एक CO2 दिखाई देता. दैट मीन्स अब मैंने CO2 निकाल दिया. समझ पाए मेरी बात? मैंने क्या किया? CO2 निकाल दिया. अब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बची हैं जिससे एनर्जी निकलनी है. तो एनर्जी निकालने के लिए फिर ये बचा कुचा ये वाला प्रोसेस मैं करता हूँ. अब जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब जाके फाइनली एनर्जी इस तरीके से, जैसे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में देखा था ना, ATP PI आता है, हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है तो ATP बनता है, इस तरीके से एनर्जी बनती है. ये पूरा का पूरा गेम. तो एनर्जी निकलना वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, अब मल्टी स्टेप प्रोसेस है. खूब सारे स्टेप लगते हैं बेटा एनर्जी निकालने के अंदर, खूब सारे स्टेप एक साथ इन्वॉल्व होते हैं. डू प्लांट्स ब्रीथ? कुछ रह गया क्या ऊपर? ना, कुछ खास बाकी बढ़ते. डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट सांस लेते? वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट. डायरेक्ट नहीं है. क्या प्लांट सांस लेते हैं? कैसे? Yes, plants require O2 for respiration to occur, but they also give out CO2. And हमें photosynthesis में पता लगा कि plants CO2 लेते हैं, oxygen देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब photosynthesis हो रहा है तो वो CO2 ले रहे हैं, oxygen दे रहे हैं. Plus जब respiration हो रहा है, respiration, तो oxygen ले रहे हैं और CO2 दे रहे हैं. यानी plant में ये दोनों process चलते रहते हैं. नेट किसकी अमाउंट ज़्यादा होती है बेटा? इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है. ये नेट आपके पास इन रिएक्शन हमें प्लांट में देखने को मिलता है. येस, प्लांट्स रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2. हेंस प्लांट हैव अ सिस्टम इन प्लेस दैट एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ O2. प्लांट अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसेज एक्सचेंज, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स फॉर दिस पर्पज.
ये भी बात बता चुका हूँ, क्योंकि जैसे हमारे पास हमारे लंग्स होते हैं, प्लांट के पास लंग्स तो नहीं है, उनके पास इधर एक स्टोमेटा बैठे हैं और एक लेंटी सेल्स बैठे हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को खत्म करने के लिए। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब देखो, प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए। ऐसा क्यों? इसका कारण समझाते हैं। फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। पहला वाला पॉइंट को हम अंडरलाइन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। कहते हैं प्लांट का हर एक पार्ट अपनी गैसेस एक्सचेंज जो नीड है ना, उनकी गैस को एक्सचेंज करने की जरूरत है, वो खुद ब खुद पूरा कर लेगा। आपने नाक से सांस लिया, मुंह से सांस लिया, लंग्स में गया और पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैल गया। ये स्टेटमेंट सही पक्का चला। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखो जरा, अगर वो पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू बेटा फैल जाता है, तो अब आपके हाथ को, इस हाथ को अलग से सांस लेने की जरूरत नहीं है, आपके शोल्डर्स को जरूरत नहीं है, आपकी बैक को जरूरत नहीं है, आपके पैरों को जरूरत नहीं है सांस लेने की। आपकी सांस नाक से ली गई और खुद ब खुद काम चल गया। प्लांट में ऐसा नहीं, प्लांट में बॉडी के हर एक हिस्से, अलग अलग एरिया अपनी सांस की जरूरतें खुद पूरा कर देती हैं। उनके पास कोई सेंट्रलाइज्ड इनटेकिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे सेंट्रलाइज्ड हमारे पास नोज एंड माउथ है, उनके पास ऐसा नहीं है, क्योंकि हर पार्ट अपने आप डिफ्यूजन के थ्रू सांस ले लेते हैं। ठीक, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। क्वेश्चन पे लाइन, एक लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड पॉइंट, प्लांट डो नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्लांट की गैस एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। क्यों बेटा? जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जब आप ट्रंक को देखते हो, जिसका जो प्लांट का तना देखते हो, प्रीडोमिनेंटली वो जाइलम है तो डेड है। प्लांट की बॉडी में बहुत कम हिस्सा होता है वो जीवित होता है, अगर हम ट्रंक में देखें, ऊपर स्टेम ब्रांचेज में भी देख लीजिए, लीव्स में भी देख लीजिए, लीव्स तो जिंदा है, वो स्टोमेटा के थ्रू अपना काम चला लेती है, लेकिन जो मेन प्लांट का तना है वो क्या काम करता है, वो प्लांट अपने पास, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन डेड है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है ना, थोड़ा सा लिविंग पोर्शन है, उसको इतनी ज़्यादा सांस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लांट की इन टोटल ज़रूरत ज़्यादा ही नहीं। और जो जिंदा वाला पोर्शन है, उसकी ज़रूरत बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कम्प्लीट हो जाती है। फिर तुम बोलोगे सर रूट्स कैसे सांस लेती है? बेटा ज़मीन में भी, मिट्टी के अंदर भी आपके पास छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाती हैं जिसमें हवा फंसी हुई होती है, रूट्स उसमें से रेस्पायर करते हैं। आपको मालूम है ना, अगर ज़मीन में ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर डाल दिया जाए, पानी को अगर ज़मीन में पानी में भर दिया जाए, तो प्लांट मर जाता है। इसका कारण क्या होता है? पानी भरने की वजह से जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है और प्लांट मर जाता है। इसलिए न्यूमैटोफोर्स, मैंग्रोव्स याद करो, न्यूमैटोफोर्स इस तरीके से उन्होंने निकाली थी ना, अंडरग्राउंड रूट्स बाहर आ गई थी सांस लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे दलदली इलाका है, तो ज़मीन में पानी आ गया, मिट्टी में हवा नहीं, इसलिए रूट्स को बाहर निकलना पड़ा। समझ गया मेरी बात? क्या वाली बात, क्या समझाया मैंने? नेक्स्ट, ये कहते हैं रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन द एनिमल्स डू। जाहिर सी बात है, एनिमल्स की कंपैरिजन में हमारी पूरी बॉडी रेस्पायर करती है और पूरी बॉडी जिंदा है। बॉडी में कौन सा ऑर्गन, अंदर बोलो कौन सी चीज़ आपकी मरी हुई है? कुछ नहीं, सब कुछ जिंदा है, सब कुछ सांस ले रहा है, हर जगह एक जिंदा सेल है जिसको सांस चाहिए। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज एक्सचेंज एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। अगर गैस एक्सचेंज करना है तो ज़्यादा अमाउंट का गैस एक्सचेंज सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, इसके अलावा किसी और टाइम। व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दी सेल्स सिंस O2 इज रिलीज्ड विद इन दी सेल। जाहिर सी बात। थर्ड, द डिस्टेंस, ये कहता है थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेज डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट इज नॉट ग्रेट। ईच लिविंग सेल इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट, और इससे हमें फायदा हो जाता है। आपके पास ये पूरा का पूरा तना देखिए, जिसके अंदर मैं एरिया पिंक से दिखा रहा हूँ, ये एरिया डेड है, ये समझ लीजिए एरिया अपने पास डेड है, बाकी बाहर वाला पोर्शन। तो अगर यहाँ से डिफ्यूजन से गैस यहाँ तक जाती है तो ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ी है। द डिस्टेंस एट विच द गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट इज नॉट ग्रेट। ये इतना मोटा तना है लेकिन गैस डिफ्यूजन के लिए थोड़ा सा आपके पास बहुत ही कम डिस्टेंस है जहाँ पर डिफ्यूजन होनी होती है। इसलिए हर प्लांट का जो जीवित पार्ट होता है वो सरफेस की काफ़ी क्लोज होता है, तो अपने को भी अटेंशन के काम अच्छे से चल पड़ते हैं। समझ गए?
इसके आगे की कहानी में बेटा सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिखा हुआ है कि अब आपके पास आप इसको लेते हो, ग्लूकोज को लेते हो, ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो और ये अपना प्रोडक्ट बना डालते हो। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलते हैं प्रोडक्ट्स में। ये मैं आपको बात रिएक्शन के साथ बता चुका हूँ। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ये प्रोसेस जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ मिलता है तो उस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। अगर आपके पास कंबशन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कुछ सेल्स जैसे बैक्टीरिया ऐसी जगह पे तो मिल सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये भी बात मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम होगा, कुछ नहीं। हमें बेटा नेक्स्ट ये वाली कहानी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है। ग्लाइकोलाइसिस, आप जरा यहाँ पे वर्ड पे फोकस करो, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, एंड ग्लाइको वर्ड बेटा यहाँ पे ग्लूकोज से आ रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमारा सबसे कॉमन जो हमें मिलता है वो ग्लूकोज है। तो हम अपनी कहानी शुरू ही ग्लूकोज से करते हैं, और ग्लूकोज की कहानी शुरू करते हुए कहते हैं कि आप ग्लूकोज को तोड़ना शुरू करो। तो ग्लूकोज को कैसे मल्टी स्टेप रिएक्शन में तोड़ा जाता है, क्या है ये एम्डन-मेयरहोफ-पार्नस पाथवे, जिसको हम ईएमपी पाथवे कहते हैं, जिसका दूसरा नाम ग्लाइकोलाइसिस है, क्या इसके अंदर ये इतने सारे मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं, इन मल्टी स्टेप रिएक्शंस को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, याद भी करेंगे। एवरी सिंगल थिंग याद रखना, किस पॉइंट के अंदर क्या निकल रहा है, किस पॉइंट में क्या निकल रहा है, कहाँ पे ये निकल रहा है, कहाँ पे लग रहा है, सब कुछ याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है, एक ही मिनट में याद करवा दूंगा। अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ये समझ के चलो, अभी के लिए जितना है कंप्लीट है। अगले वाले लेक्चर के अंदर फिर हम आगे बढ़ेंगे और खूब बढ़िया से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, आगे बढ़ते रहें।